ये देखिए इन्होंने कैसी लूट मचाई है भाई, देखिए कैसी लूट मचाई है। अफशान तुम लूट मचा रहे हो यहाँ पे, चलो ये देखिए फ्रेंड्स अपने मोमोज आ गए। और कितना बिल बना था बेटा? दोस्तों यहाँ पर रोलर कोस्टर भी चलता है, यह इतनी जगह में इन्होंने रोलर कोस्टर भी बना रखा है। बारीक का फिक्स है, तंदूरी जिंगर मील लेंगे 298 का, इस पर GST एक्स्ट्रा कैलकुलेट होगा। हेलो, तो भाई केरला में आपका स्वागत है और ये फर्स्ट ब्लॉग है भाई तिरुवनंतपुरम का, केरला से तिरुवनंतपुरम में है और आए हैं लुलु मॉल को एक्सप्लोर करने। अगर लुलु मॉल के अंदर कैमरा अलाउड हुआ तो आपको पूरा अच्छे से बताएंगे, वरना मोबाइल से जितना कैप्चर होगा इसी क्लिप में मैं डालूंगा और कुछ चर्चेस वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में, तो बने रहिए। तो भाई ये लुलु मॉल है, लुलु मॉल त्रिवेंद्रम में भी है और एर्नाकुलम में भी है। तो अभी हम आए लुलु मॉल में और इसका भाई पार्किंग बहुत शानदार पार्किंग बना रखा है। देखिए ये पार्किंग है इसका, ये देखिए पूरा पार्किंग है और 2 फ्लोर बेसमेंट में है नीचे, ये देखिए। अरे जाओ अपना पिलर नंबर तो लिया, गाड़ी ढूंढते फिरेंगे अपन, तो फोटो खींच लो पिलर नंबर का। तो भाई ये है पूरा और T5 है ना, T5 पिलर पर गाड़ी खड़ी भाई अपनी। तो आप भी आए ना यहाँ तो भाई पिलर नंबर ध्यान रखिए, क्योंकि इतना बड़ा पार्किंग है, अपन गाड़ी ढूंढते रह जाएंगे। अपने इंदौर के पिनिक सिटाडेल मॉल में भी गाड़ी ढूंढना पड़ती है अगर पिलर इधर उधर हो जाता है, तो मतलब पिलर ध्यान से उतर जाता है। तो पिलर नंबर आप हमेशा नोट करके रखिए। और भाई ये है यहाँ से देखिए इसकी एंट्री, और ये है गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये सामने आपको येलो लाइट चमक रही ना, ये है इसकी एंट्री। तो चलते हैं अपन अंदर। और ये भाई साहब ने नमस्ते कर लिया, कैमरा अलाउ है, अभी तो कुछ नहीं बोला है इन्होंने। तो भाई ये जैसे आएंगे आप सिक्योरिटी गेट से अंदर, तो ये आपको देखिए आइसक्रीम पार्लर, कॉफ़ी पार्लर और कुछ पेंटिंग्स की शॉप और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आप यहाँ बैगेज काउंटर भी है, यहाँ बैगेज भी जमा कर सकते हैं भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ बैगेज काउंटर भी, आप बैगेज ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे आपका। तो भाई बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और आपको मैंने काफ़ी सारे मॉल दिखाए, मलेशिया के मॉल दिखाए, फिलीपींस के मॉल दिखाए, सिंगापुर का मॉल दिखाया, अब देखिए आप अपने इंडिया का लुलु मॉल। तो भाई फर्स्ट व्यू में तो बेस्ट लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है और काफ़ी अच्छा बनाया है। और ये भाई नए बना है, क्योंकि जब मैं अपनी ट्रेन लेके आता था ना, तो जब इसका काम अंडर कंस्ट्रक्शन था, गड्ढे ही खुद रहे थे जब इसका ओपनिंग हुआ था, मतलब कंस्ट्रक्शन का ओपनिंग हुआ था, तो इस हिसाब का था भाई। और ये देखिए ये इसका फर्स्ट एंटर, ये फर्स्ट व्यू आ गए फर्स्ट फ्लोर पर। और ये देखिए इसका फर्स्ट व्यू, ये देखिए ये फर्स्ट व्यू, ये देखिए, ये देखिए स्मॉल कल्याण ज्वेलर सामने है और इधर इस तरह का, ये देखिए आप क्राउड देखिए कितना है भाई। ये एक छोटी सी लिफ्ट है भाई, ये लिफ्ट बेच रहे हैं भाई लोग यहाँ पे, ये देखिए सिंगल पर्सन लिफ्ट है ये। और ये देखिए भाई ऐसे ट्रीज वगैरह लगी हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप ये ट्रीज, ये देखिए अब आर्टिफिशियल है कि ओरिजिनल है देखना पड़ेगा भाई, ओरिजिनल है भाई ये देखिए, तो ओरिजिनल है भाई, ओरिजिनल है। तो इसको हम मेंटेन कैसे करते हैं आई डोंट नो भाई, मेंटेन। और आप यहाँ मसाज भी ले सकते हैं, जैसे आपने मेरे मलेशिया लंका भी वाले वीडियो में मैंने मॉल दिखाया था ना आपको, तो यहाँ भी ऐसी मसाज की मशीनें लगी हुई हैं, ये देखिए ये आप मसाज वगैरह भी यहाँ पे ले सकते हैं, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों बच्चों की ट्रेन जा रही है, ये देखिए आप बच्चों की ट्रेन, और ये इन्फॉर्मेशन डेस्क है भाई, आप यहाँ से मॉल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये है इन्फॉर्मेशन डेस्क। और ये देखिए भाई इसका हिस्सा वाला हिस्सा देखिए आप, क्या शानदार लग रहा है देखिए, ये देखिए। तो भाई झकाझक मॉल है और बने रहिए, आनंद उठाइए इस मॉल का, और त्रिवेंद्रम आए तो ज़रूर विज़िट कीजिए इसको। तो चलिए आगे आपको और देखता दिखाता हूँ मैं क्या क्या है यहाँ, क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है भाई, ब्रांडेड हैं कि लोकल हैं, इन हाउस ब्रांड हैं कि सब सब तरह के ब्रांड आपको दिखाऊंगा। द इंडियन नारी, सीता द इंडियन नारी, देखिए कुछ है इस तरह का, द सीता द इंडियन नारी, ये देखिए इसमें अलग अलग सेक्शन बने हैं, अब थर्ड सेक्शन में आए, फर्स्ट फ्लोर पे ही हैं। और इसमें आपको शॉपर स्टॉप इनसाइड और जूडियोज अभी नहीं दिखा मुझे यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या ये है। ये देखिए ये है शॉपर स्टॉप, और शॉपर स्टॉप इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी शॉपर स्टॉप है, और ये है वेस्ट साइड, ये देखिए द टाटा इंटरप्राइजेस दूसरे वाले सेक्शन में। और भाई ये तो भूल भुलैया टाइप बना है भाई, इतने इसमें आइल्स बनी है जिसका जवाब नहीं, क्या बहुत सारी आइल्स बनी है इसमें। और ये देखिए एप्पल का शोरूम आई है, ये एप्पल का शोरूम देख पा रहे हैं, ये एप्पल का शोरूम है भाई, और ये टॉय शॉप है, देखो अफशान कितनी बड़ी टॉय शॉप। अफशान देख के बोलेगा ये दिला दो मुझे वो दिला दो, हैं क्यों आपको मैं दिलाऊंगा नहीं, लेकिन
और इस तरह की शॉप है भाई, और ये एक ही सरी की ट्री सब तरफ लगा रखी है इन्होंने। ये देखिए भाई, यहाँ का ग्रोसरी स्टोर और कॉस्मेटिक स्टोर चेक करके आते हैं। अपन चलते हैं ग्रोसरी स्टोर में, और तो यहाँ ग्रोसरी स्टोर अच्छा काफ़ी बड़ा है भाई। ये देखिए, ये है यहाँ का ग्रोसरी स्टोर, ये देखिए, और बहुत बड़ा है भाई ग्रोसरी स्टोर। ये देखिए, और कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। देखिए, हेलो हेलो हेलो, तो ये सारे स्टूडेंट हैं भाई स्कूल के, तो ये यहाँ पे विज़िट के लिए आए हुए हैं भाई। तो क्यों लाए भाई स्कूल वाले, ग्रोसरी स्टोर में लाए विज़िट करने के लिए। तो ये है भाई ग्रोसरी स्टोर, देखिए ये है ग्रोसरी स्टोर, पूरा ग्रोसरी स्टोर है देखिए। और इधर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट मिलेंगे सारे, डीओ वगैरह, परफ्यूम वगैरह, और महिला मंडल का पूरा सामान है यहाँ पे। और ये है भाई यहाँ का ग्रोसरी स्टोर, तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आटा वाटा सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये देखिए ये सारा आटा वाटा सारी चीज़ें मिल रही हैं। और इधर पूरा सेक्शन आपका सोप, बॉडी सोप और ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। और फेस वॉश हमें भी लेना है, तो हम यहाँ से ले लेंगे फेस वॉश। ये फेस वॉश का सेक्शन भाई पूरा, ये देखिए कोलगेट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और ये सेक्शन देखिए पूरा फेस वॉश का, ये देखिए भाई पूरा वेजिटेबल मार्केट है। और गाजरें कितनी फ्रेश हैं भाई, स्टोरेज वाली गाजरें हैं लेकिन फ्रेश हैं। और आपको दिखाता हूँ, देखिए ये बैंगन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। देखिए ये देखिए ब्रोकली, हेल्दी फूड ब्रोकली, सब फ्रीजर में रख रखी है भाई। और देखिए इनको फ्रेश रखने के लिए केमिकल छिड़का जा रही है इसके ऊपर। और ये देखिए भाई सब हब्स हैं, ये देखिए, देखिए चिकन, देखिए आप चिकन, ये देखिए चिकन, होल चिकन भी मिल जाएगा आपको यहाँ, पूरा होल चिकन, पूरा होल चिकन आपको मिल जाएगा। प्राइस है भाई होल चिकन की 168 रुपीज़ पर के जी, होल चिकन स्किन लेस 163। और ये टॉप है, और आपको पूरे पीसेस चाहिए तो देखिए ये भी चिकन है भाई, इसमें मसाला वगैरह सब लगा हुआ है, बस आपको फ्राई करना है। ये देखिए फिर आपको फ्राई करना है घर ले जाके, ये देखिए। और ये देखिए जैसे बीफ शॉप है, तो इसके सामने जो शोरूम है ना, इसके सामने जो इन्होंने लगा रखा है, ये सब बीफ का प्रोडक्ट है, ये सारा बीफ प्रोडक्ट है। देखिए ये पूरा बीफ प्रोडक्ट है, और ये है बीफ शॉप। आपको मैंने जैसा बताया, बफेलो मीट 365 रुपीज़ के जी, और बोनलेस बीफ मीट 350 रुपीज़ के जी। ये देखिए 350, और ये पूरा बीफ। दोस्तों अपन ने ये लिए हॉर्स मैकरेल, ऐसा कुछ नाम है इसका। और अंदर गई है भाई कट होने, तो अंदर गई है भाई कट होने के लिए सामने। और ये लिया है अपन ने यहाँ से, और ये वेट मशीन लगी है भाई, ये वेट मशीन, तो यहाँ से वेट करते हैं। और इस तरह की स्लिप आ जाती है फिर अपनी, 210 रुपये की हुई है भाई। देखिए ये सिस्टम है, ये कर रहे हैं, देखिए ये सिस्टम है यहाँ पर, और ये सीधे तराजू में रखेंगे और बिल निकल जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम है यहाँ पर। ये भाई बच्चों के लिए पास्ता वास्ता, देखिए अब सन पहुँच गया है, और उसकी हमारी छोटी बेटियाँ भी पहुँच चुकी है, और ये पास्ता पे लूट मचा दी इन्होंने। क्या मतलब, मॉल में आना और एक्स्ट्रा मनी खर्च करना है वाला काम है भाई। ये देखिए इस तरह का है, और ये पूरा बच्चों का ही सेक्शन है। और यहाँ पे आपको पापड़ वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, देखिए पापड़ वगैरह, और ये देखिए कोकोनट मिल्क। देखिए इन्होंने कैसी लूट मचाई है भाई, देखिए कैसी लूट मचाई। अफशान तुम लूट मचा रहे हो यहाँ पे, चलो पीछे चलो, एक और चीज़ लेनी है। अब एक और चीज़ लेनी, क्या लेनी है, चलो जाओ लेओ, एक और चीज़ लेनी, लेओ भाई लेओ, थोड़े तो हो ही गए और खा लो थोड़े से जाओ। और आगे पूरी कैंडी की होलसेल शॉप है भाई, सामने कैंडी शॉप है, ये देखिए दोस्तों सामने कैंडी शॉप है, तो आप यहाँ से कैंडी वगैरह भी ले सकते हैं। देखिए छुटकी ये फिर उठाया है इसने सामने हम। और ये देखिए अफशान क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है भाई। भाई जैसे आप जानते हैं कि डेट्स काफ़ी हेल्दी फूड होता है, और डेट्स हम देखने आए, और यहाँ पे डेट्स में काफ़ी वैरायटी है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए डेट्स काफ़ी वैरायटी और काफ़ी हाई रेंज तक जाती है, तो देखिए आपको बताता हूँ, और अपन भी लेंगे थोड़ी सी। देखिए डेट्स है, और सब वैरायटी की डेट्स है, देखिए आप 275 रुपये के जी, 175 रुपीज़ के जी, और सब तरह का भाई सब रेंज की है डेट्स, तो देखते हैं अपन कौन सी लेते हैं। और ये पूरी टॉफ़ी शॉप है भाई, ये देखिए पूरी टॉफ़ी शॉप है, और ये देखिए बास्केट, और ये बच्चों का खास बच्चों के आइटम है, सब तरह की टॉफ़ी आपको यहाँ पर मिलेगी। देखिए सब टॉफ़ी है, ये देखिए क्या क्या खरीद लिया तुमने, तो बस तुम बोल रहे थे मैगी खरीदना है, क्या क्या खरीद लिया, ये सब क्या 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 है, क्यों ये क्या क्या है, ये मैगी है, चिकन, ये क्या बता चिकन का कौन सा लिया, ये भाई केएफसी टाइप चिकन का है, ये देखिए इन्होंने ले लिया है, तो देखते हैं भाई क्या क्या लेते हैं ये। जा 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 वहाँ पलटी खाइए जल्दी, ट्राली पकड़ा हाथ से जाके,
तो भाई ये ट्राली चली गई है और इन्होंने बिल बिठाया भाई 3388 रुपये का, सिर्फ कुछ नहीं सिर्फ खाने पीने का आइटम 3388 और इंदौर से ख़रीदा हुआ अलग, तो इन्होंने अच्छा खासा लंबा कर दिया 3388 और अभी बोल रहे हैं अरनाकुलम के लुलू मॉल से और ख़रीदेंगे। तो चलिए मॉल एक्सप्लोर करते हैं और जब तक बड़ी बिटिया गई है नीचे गाड़ी में रख के आ जाइए, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब भाई चलते हैं सेकंड फ्लोर पे और आपने उस ग्रोसरी स्टोर की देखी भाई मोबाइल से, क्योंकि वहाँ सारे वीडियो मैंने मोबाइल से बनाए वो भी थोड़े आइडिया से बनाए हैं और वहाँ पर ना वीडियो अलाउड नहीं था बट यहाँ पर अलाउड है। तो ये देखिए आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे और ये देखिए इस तरह का ये सेकंड फ्लोर और आप इधर आ सकते हो और यहाँ भी देखिए फैशन स्टोर है सामने, मतलब क्लॉथ स्टोर है पूरा। ये देखिए ये पूरा ये सेक्शन है। ये देखिए ये रेमंड्स का आउटलेट है और रेमंड्स के पास में ही है भाई ये सामने आपके बाटा। ये देखिए बाटा का है, ये देखिए बाटा और इसी के पास में आ गया फिर किलर और किलर के ठीक सामने देखिए स्पाइकर, देख रहे हैं आप सामने स्पाइकर और स्पाइकर के पास में एडिडास और एडिडास के पास में फ्लाइंग मशीन। और भाई इसके ऊपर वाले फ्लोर पे ना पूरा फूड कोर्ट है, देखिए आपको थोड़ी झलक दिखेगी यहाँ से और देखिए काफ़ी टेबल कुर्सियाँ लगी हुई ऊपर बैठने के लिए। तो ऊपर वाले स्टोर पर पूरा आपका ये फूड कोर्ट है और ये आ गया भाई हमारा वुडलैंड का शोरूम। ये देखिए ये है वुडलैंड का शोरूम पूरा। चलिए विजिट करके आते हैं वुडलैंड के शोरूम पे। ठीक है भाई मैं इंथुसियास्ट हूँ वुडलैंड के शूज़ का दीवाना हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है वुडलैंड के शूज़। ये देखिए इस तरह के वुडलैंड के शूज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये देखिए भाई न्यू आर्टिकल में क्या क्या है देख लेते हैं। ये आर्टिकल तो है अपने पास, अभी अपन ने ख़रीदा इंदौर से और ये ख़रीदे हैं भाई अपन ने पौंडीचेरी से और भाई और ये ख़रीदे हैं अपन ने इंदौर से भाई 8000 रुपये का शूज़ है ये। तो इस तरह का आर्टिकल है यहाँ पे। दोस्तों इधर आए और यहाँ से क्या शानदार दिख रहा है देखिए आप, ये पूरे मॉल का व्यू दिख रहा है यहाँ से। देखिए ये इस तरह का मॉल है भाई पूरा। ये देखिए और अफशान को दिख गया सामने केएफसी, मुझे इशारा कर रहा है भाई खुश हो गया है, कहाँ है केएफसी, अरे दिखाओ दिखाओ कहाँ है केएफसी, अभी दिखा रहे थे ना मेरे को। तो भाई इसको दिख गया केएफसी। ये देखिए दोस्तों ये पेंटालून और ये इधर आ गए मैक्स अमेरिकन टूरिस्टर और ये ऊपर यहाँ से आप देख पाएंगे फूड कोर्ट और पिज़्ज़ा हट वगैरह गेम जोन वगैरह सारी चीज़ें ऊपर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई ये यहाँ का पूरा फ्लोर का मैप और ये आगे आ गया शॉपर स्टॉप, मतलब भाई सारी चीज़ें हैं भाई, सारी जो अपने वहाँ हैं वो यहाँ भी हैं और अच्छे रेट भी सही साढ़े ज़्यादा नहीं। दोस्तों ऊपर आ चुके हैं फूड कोर्ट में और काफ़ी शानदार फूड कोर्ट है, अच्छा बड़ा एरिया में बना हुआ है फूड कोर्ट। ये देखिए फर्स्ट व्यू ऑफ द फूड कोर्ट लुलू मॉल। ये देखिए ये पूरा फूड कोर्ट है भाई और केएफसी बर्गर किंग सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये देखिए तो इस बारीक को तो भाई केएफसी खाना है तो इसको केएफसी खिलाते हैं कहीं से, और कहीं से क्या भाई केएफसी पे चलते हैं। केएफसी ऊपर ही नीचे से दिख रहा था लेकिन अभी कहाँ है देखना पड़ेगा, जब तक आप देखिए फूड कोर्ट को इन्जॉय कीजिए। ये देखिए अमूल का एक पार्लर है सामने आपके, ये अमूल पार्लर है, अमूल की सारी आइसक्रीम मिल जाएंगी। और ये भी इधर भाई आइसक्रीम पार्लर है, ये भी एक पार्लर है और यहाँ पिज़्ज़ा वगैरह सारी चीज़ें हैं भाई। हेलो, तो ये पिज़्ज़ा वगैरह सारी चीज़ें हैं और ये देखिए भाई अमूल पार्लर, ये देखिए इस तरह का इंटरफेस है अमूल पार्लर का। और ये देखिए सब बैठे हैं टूरिस्ट और ये सामने कुल्फ़ी शॉप है भाई, ये सामने आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये कुल्फ़ी शॉप है। और ये पॉपकॉर्न, ये देखिए ये इस तरह का है। आ गए हैं केएफसी पे और यहाँ अपने को करना है ऑर्डर और ये केएफसी के पास में ये सबवे, फिर है हालिस, हालिस क्या लिखा है भाई, और उसके बाद नगास और ये पूरा फूड कोर्ट है भाई। देखिए शानदार फूड कोर्ट है, देखिए अभी आपको पास जाके चेकआउट कराता हूँ, पहले अपन केएफसी पे ऑर्डर बुक कर देते हैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ फूड कोर्ट। तो भाई अपने बारीक का फिक्स है तंदूरी जिंगर मील लेंगे 298 का, इस पर GST एक्स्ट्रा कैलकुलेट होगा। तंदूरी जिंगर, तंदूरी जिंगर है ना विथ मील है ना, फ्रेंच फ्राइज के साथ और कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो भाई वन तंदूरी जिंगर मील टेक अवे। ये देखिए दोस्तों पूरा फूड कोर्ट है और पूरा सेम आपके वही फूड कोर्ट ऐसे ही लगेगा आपको अपने पिनिक सिटाडेल मॉल में ना,
बस यहाँ के सीटिंग अरेंजमेंट कुछ अलग है और वाव मोमोज हैं तो अपन वाव मोमोज से मोमोज खाएंगे भाई। तो भाई मोमोज तो खाएंगे, वाव मोमोज से लेके एक प्लेट खाएंगे लेकिन ज़रूर खाएंगे वाव मोमो। तो जा रहे हैं वाव मोमोज की तरफ और करते हैं ऑर्डर अपना। ये रही अपना आ गया वाव मोमोज। चलो भाई बच्चे करेंगे ऑर्डर, अपन तो बैठते हैं। जाओ भाई ऑर्डर करो, कौन सा मोमोज खाना है ऑर्डर करो, कौन सा मोमोज खाना है ऑर्डर करो। लुटेरे आ गए हैं सब, अब लूटेंगे यहाँ पे आके लुटेरे। चलो KFC की पीरन देखे, KFC ले लिया, टेक अवे आ गया KFC का। फ्रेंड्स अपने मोमोज आ गए हैं। और कितना बिल बना था बेटा? तो 100 रुपीज़ पर प्लेट है भाई, दो प्लेट लिए 200 रुपीज़ के। तो ये सब बैठे हैं भाई, अभी ये मोमोज पर टूटेंगे और पूरी एक ट्रॉली भर के आपने देखी है वो पटक दी गाड़ी में ले जाके। और अब चलिए मोमोज इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पे मेयोनीज नहीं देते हैं भाई, यहाँ पे मेयोनीज नहीं देते हैं, अपने वहाँ इंदौर में मेयोनीज भी देते हैं साथ में। चलिए फर्स्ट बाइट लेते हैं इसकी। चिकन मोमोज है, चिकन मोमोज है भाई। मुझे लगा ऐसा चिकन आया मैंने मोमो तो काफ़ी टेस्टी है, 100 रुपये में कोई महंगे नहीं भाई। 6 पीस हैं, 5 पीस एक प्लेट में, 5 पीस। तो देखिए खाते हैं, खाओ भाई चेक करो अपन, टेस्ट करो भाई कैसे हैं, बताओ भाई टेस्ट के बारे में। केरला के मोमोज टेस्ट तो अपने वजह से ही है, सेम है ना, बस यहाँ कलर ग्रीन है भाई इसका मोमोज का। दोस्तों ये है पिज़्ज़ा हट, ये वाव मोमोज के पास में ही है। और ये क्या है भाई? करीम्स। ये देखिए करीम्स रेस्टोरेंट की ब्रांच भाई इंदौर में भी अपने वहाँ सिंस 1913। ये देखिए करीम्स। और ये है भाई सामने गेम जोन पूरा, ये देखिए। और अच्छा खासा गेम जोन है भाई यहाँ पे, तो आड़ी तिरछी जो गाड़ियाँ चलती हैं वो भी हैं, पूरा अच्छा खासा गेम जोन है। देखिए आप, आपने मेरी फिलीपींस की वीडियो में भी देखा होगा, मैंने आपको गेम जोन दिखाया था फिलीपींस की वीडियो में, ये देखिए। और ये भाई रिचार्ज काउंटर, यहाँ से आपको शायद वो लेना पड़ेगा कार्ड, हमारे वहाँ तो कार्ड लगता है, तो यहाँ भी कार्ड का ही प्रोसीजर होगा। और इस हिसाब का है भाई, है देखिए क्रेजी कार, बच्चों के लिए बाइक्स वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर रोलर कोस्टर भी चलता है, यह इतनी जगह में इन्होंने रोलर कोस्टर भी बना रखा है। और यार अभी झूला बना रखा है लेकिन भाई अभी बंद है, हाल फिलहाल कोई कस्टमर है नहीं इनके पास, ये देखिए। और ये ऊपर रोलर कोस्टर है और ये जिप लाइन वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं भाई, देखिए थोड़ी एडवेंचर एक्टिविटी भी है यहाँ पे, ये आप कर सकते हैं यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी भी थोड़ी, ये देखिए ऊपर देख पा रहे होंगे आप। और ये रोलर कोस्टर के भाई मोटरें लगी हुई है, देखें ये मोटरें लगी हुई है सारी। ये देखिए दोस्तों इस टाइप के आपको झूले वगैरह भी मिल जाएंगे। ये हॉर्स वाला झूला है, देखिए ये हॉर्स वाला झूला है। और ये देखिए पूरा गेम जोन है भाई इस तरह से। तो यहाँ पे आपको क्लाइम करना ऊपर, क्लाइम क्या बोलते हैं ये, आपको यहाँ से क्लाइम करना है, क्लाइम। ये देखिए इस तरह का है और इधर भी बना हुआ है, ये देखिए काफ़ी सारी एक्टिविटी है भाई और बड़ी बड़ी चीज़ें लगी हैं यहाँ। वाटर पार्क भी लगता है, हाँ वाटर पार्क भी देखो आप, इसके अंदर वाटर पार्क भी छोटा था, अब वाटर पार्क लग ऐसे ही रहा जैसे वाटर पार्क है, लेकिन अब आगे देखना पड़ेगा क्या है। ऐसा थीम जैसे वाटर पार्क में रहते हैं, सारी स्लाइड है, ये उस हिसाब की स्लाइडें लग रही हैं सारी। और हालांकि वाटर पार्क नहीं है भाई, लेकिन आपको बच्चों के लिए वाटर पार्क जैसे ही है लगभग ये। ये देखिए, ये देखिए इसमें स्लाइडें हैं, काफ़ी सारी स्लाइड हैं, ये देखिए इसमें वाटर पार्क जैसी स्लाइडें हैं लेकिन वाटर पार्क है नहीं है। ये भाई लुलू मॉल का मेन एंट्रेंस। और ये देखिए कुछ इस तरह का एंट्रेंस है इसका। और ये भाई इसके बाहर का नज़ारा। और भाई लगभग बंद हो गया है क्योंकि 10:45 हो चुके हैं। और ये इसके आसपास का बाहर का नज़ारा, ये हाईवे रोड है भाई। और अब चलते हैं भाई अपने पार्किंग में, चलो पार्किंग में चलते हैं और गाड़ी उठाते हैं, चलते हैं अपने रेस्ट हाउस। हमारे रूम पर पहुँच गए और हमने हमारी कुकिंग स्टार्ट कर दी है। और हम जो फिश लाए थे, फिश इसमें फ्राई हो रही है, देखिए ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है फिश और रेडी टू ईट कंप्लीट हो चुकी है। और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है। और हमने जाने से पहले भाई दाल को बॉईल कर लिया था, ये देखिए ये जाने से पहले दाल को बॉईल कर लिया था। और भाई इसको अब तड़का लगाना है दाल में, इसको करते हैं बंद। और ये बच्चे भाई
ये देखिए वहाँ से लूलू मॉल से कचौरी समोसे लेके आ गए थे, ये कचौरी समोसे लेके आए थे और ये मैडम जी प्याज काट रही हैं, ये देखिए। तो अब खाते हैं वही डिनर और डिनर के बाद सो जाएंगे, फिर कोई कल बहुत सारी जगह घूमने जाना है और कल आपको अच्छी अच्छी जगह विजिट कराएंगे त्रिवेंद्रपुरम की। चलेंगे अन्नापुरम और अन्नापुरम का लूलू मॉल भी आपको दिखाएंगे, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको त्रिवेंद्रम का लूलू मॉल कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग को ख़त्म करने से पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। चलिए ओके, गुड नाइट।